कोटा में अक्सर विवादों में रहने वाले कोटा तहसीलदार, जिनका विवादों से हमेशा नाता रखने वाले विवादास्पद कोटा तहसीलदार प्रमोद गुप्ता के खिलाफ कोटा प्रेस क्लब के पत्रकारों ने मोर्चा खोलते हुए सोमवार को एसडीएम कार्यालय कोटा के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कोटा तहसीलदार प्रमोद गुप्ता, जो कि त्रिस्तरीय नगर पंचायत चुनाव के निर्वाचन अधिकारी के कार्य के समय से लेकर वर्तमान स्थिति में लगातार विवादों में बने हुए हैं, चाहे वो चुनाव के समय महिला अभ्यर्थी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हो या फिर अपने अधीनस्थ माथत महिला पटवारी या कर्मचारियों से दुर्व्यवहार का मामला हो, या फिर पत्रकारों वकीलों से दुर्व्यवहार का मामला हो, या फिर वर्तमान में राजस्व से जुड़े मामले। वर्तमान कोटा तहसीलदार प्रमोद गुप्ता के खिलाफ लगातार शिकायत का अंबार लगने के बावजूद भी अब तक उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस बारे में एसडीएम कोटा अनंत रूप तिवारी से ज्ञापन सौंपने के दौरान पत्रकारों द्वारा जब इसकी वस्तु स्थिति जानने का प्रयास किया गया तो एसडीएम कोटा के द्वारा मामले पर ज्यादा कुछ नहीं बोला गया। बस इतना ही कहा गया कि सभी संबंधित मामले की जांच किया जाएगा, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर कोटा तहसीलदार प्रमोद के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोलते हुए प्रेस क्लब कोटा के पत्रकारों द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए 7 दिवस के अंदर कार्रवाई की मांग पत्रकारों द्वारा की गई है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बिलासपुर जिला एवं कोटा सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से पत्रकार धरना प्रदर्शन में पहुंचे। एसडीएम साहब के माध्यम से हम ज्ञापन दे रहे हैं जिला दंडाधिकारी को, यदि उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो जिला स्तरीय धरना दिया जाएगा। उस पर और भी पत्रकार संगठनों से हम बोलेंगे कि हमारे साथ आके खड़े हों पत्रकार हित की बात के लिए, और यदि जिला स्तर में भी कार्रवाई नहीं होती तो हम राजधानी में इसके लिए धरना जरूर देंगे और इस पर कार्रवाई चाहेंगे कि कार्रवाई हो। बिलासपुर कोटा से जितेंद्र भास्कर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।